तिरंगा यानी 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की आन बान और शान का प्रतीक, लेकिन उसी तिरंगे की आड़ में हो रही थी एक बड़ी साजिश। तो आज जी न्यूज आपको उस साजिश के बारे में हर एक जानकारी देगा, यानी खुलासा हम करने जा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग पर फरवरी महीने में दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप लगे हैं। दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार आरोपी उमर खालिद को आज कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया, लेकिन दंगों के आरोप में गिरफ्तार खालिद सैफी का कबूलनामा बता रहा है कि यह साजिश कितनी गहरी थी। दिल्ली में आग लगाई कॉमरेड नहीं दंगाई, बुद्धिजीवी कहलाएंगे, दंगों का प्लान बनाएंगे, तिरंगा बांटेंगे, देश तोड़ेंगे। दिल्ली दंगे का तिरंगा चूड़ी कनेक्शन। जी हां, दिल्ली दंगों की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, होश उड़ाने वाली सच्चाई सामने आने लगी है। दंगों के आरोपी खालिद सैफी का एक और बड़ा दावा सामने आया है। खालिद सैफी का कहना है कि विरोध वाली जगहों पर भीड़ जुटाने के लिए तिरंगा और चूड़ियां बांटी गई ताकि महिलाओं की भीड़ जमा की जा सके। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने तिरंगा चूड़ियां भिजवाई, पुलिस को गुमराह करने के लिए तिरंगा चूड़ी बंटवाई गई, भीड़ बनाए रखने के लिए तिरंगे वाली चूड़ियां बांटी गई। खालिद सैफी का दावा है कि 100 दर्जन तिरंगा चूड़ियों को अलग अलग विरोध स्थलों पर बांटा गया। जाहिर है पहले दिल्ली दंगों का कॉमरेड कनेक्शन और अब तिरंगा चूड़ी कनेक्शन। जांच के बाद खुलती कड़ियां बड़ी साजिश को बेपर्दा कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली दंगों का प्लान बनाया। इसके लिए कई मीटिंग भी की। मीटिंग में भारत को तोड़ने की बात करने वाला शर्जिल इमाम समेत दंगा गैंग के कई जिहादी थे। ये एक तरह से आतंकी हमला था, 26/11 जैसा आतंकी हमला दिल्ली के ऊपर जो फरवरी में किया गया। महीनों की तैयारी, प्लानिंग, डेट डिसाइड करके इन्होंने दंगे किए। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद के दंगा गैंग ने दिल्ली को जलाने की टाइमिंग ऐसी चुनी थी जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत के दौरे पर थे। उमर खालिद ने खुद कहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली की चर्चा पूरी दुनिया में हो। ये खुलासा तो पहले ही हो चुका है कि दिल्ली दंगों में जो हथियार इस्तेमाल हुए वो मेरठ से लाए गए थे। ये खुलासा भी दंगा के मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार खालिद सैफी ने ही किया है, और इन हथियारों के लिए पैसे कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां ने दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।